प्रतीक भाई, आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू टेक यू इंटरव्यू, क्योंकि मुझे पता है ये वाला इंटरव्यू सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। इसमें बहुत एनर्जी होने वाली है और सबको बहुत वैल्यू मिलने वाला है, ये तो मैं श्योर हूँ इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में। अभी सबसे पहले आई वॉन्ट, मेरी ऑडियंस काफ़ी आपको जानती है क्योंकि हम एकदम सेम इंडस्ट्री से है, बट फिर भी आप जो लोग आपको नहीं जानते, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए जिससे लोग आपको जान जाए। और Sure, Digital Area. First of all, I'm glad. Thank you so much for inviting me and having me on your podcast. For the audience, most of the audience, I would say that most of the audience doesn't know me. So, unke liye, I am a 3-time dropout by choice from engineering college back in the days of 2009-10. Then, maine do aur drop liye due to family reasons and all. Mm. And followed by that, I did call center journey, call center jobs liye, maine sales process, network marketing. And I'm a guy who then jumped into digital marketing as a side hustle. Started with digital marketing executive job in 2014 as a first ever digital marketing job. Raised myself to product manager of a digital marketing institute by 2018. Mm-hmm. And since then, I'm full-time Digital Prateek, running an agency right now, running a consulting firm, doing plenty of stuff. So I would say, to summarize, Digital Prateek is just trying to swim this digital ocean of digital branding with respect to the marketing strategies which are working in the now. Amazing. तो सबसे पहले मेरा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा ना, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था और आप काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में। मतलब अगर देखा जाए कि 10 साल की आपकी जितनी जर्नी रही है, जहाँ से आपने कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था, मैंने सारी चीज़ें एक बार ही आपका पूरा ऑडिट कर लिया था मैंने, इसलिए इंटरव्यू से पहले कि क्या क्या करा है भाई ने, प्रतीक भाई ने। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये मुझे एक्चुअली आई वुड एक्चुअली लव टू हियर द फॉर्मेट ऑफ योर्स विद रिस्पेक्ट टू माय स्टोरी बिकॉज़ आई एम एक्साइटेड नाउ व्हाट आई हैव डन। मेरे को भी जानना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने ड्रॉप आउट किया और 3 बार ड्रॉप आउट किया, तो इसके पीछे रीजन क्या था? मतलब एक बार समझ में आता है, 2 बार, लेकिन 3 बार ड्रॉप आउट किया आपने। Because see, when we hear dropout, most of the times in 2021 current scenario, youngsters might think that dropout का मतलब ये है कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, या तो फिर उसको और interest है। अभी मेरा scene थोड़ा अलग था। I was a scholar student. I scored 88% in PCM, physics, chemistry, maths. So I was a good student. 94 in maths, 93 in physics, 78 in chemistry, and like I was a very good student. तो और वैसा भी नहीं था कि फर्स्ट बेंचर था, ऐसा नहीं था, या मस्ती भी इतना ही करता था। आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, सो आई वाज ऑलवेज एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग आई यूज्ड टू डू। सो बिकॉज ऑफ विच आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग एंड आई वांटेड टू गो इनटू इंजीनियरिंग। इट्स नॉट दैट माय पेरेंट्स वांटेड एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई वेंट। आई वांटेड टू गो इनटू इंजीनियरिंग बिकॉज समवेयर व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज यूज्ड टू फैंटेसाइज। अभी मुझे मालूम नहीं है कि यंग जनरेशन अगर देख रही है तो वो रिलेट कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था, at that point in time there was Gujarat Samachar, एक newspaper आता था, अभी भी आता है, but उस time पे एक कॉलम था, साइंटिस्ट्स का कॉलम आता था। तो मैं हर रोज उसको कट करके कलेक्शन बनाता था, कि वो एक सपना था जब एकदम छोटा बच्चा था, नो मैच्योरिटी कि मेरे को साइंटिस्ट बनने का। तो तब से लेके वो साइंस का सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था, एंड देन फिजिक्स मुझे बहुत ही प्यारा था, मैथ्स बहुत ही प्यारा था, एंड दैट्स रीजन आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग। सो टिल 5th सेमेस्टर आई स्कोर्ड वेल, I did really well. I was working with the project in respect to HODs, Head of Department of Electronics and Communications Engineer. तो उनके साथ मैं काम भी करता था. I was very active. But 2009, मेरे पापा को पैरालिटिक स्ट्रोक आया. अब उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आया तो उसकी वजह से जो इंजीनियरिंग सिस्टम में, अगर अभी मुझे मालूम नहीं है क्या आज की इंजीनियरिंग सिस्टम में कैसा होता है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम सेमेस्टर में ऐसा होता था कि इवन सेमेस्टर में अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दी है तो आप नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। सो फॉर मी इट वाज 6th सेमेस्टर व्हिच आई वाज नॉट एबल टू टेक द एग्जामिनेशन एंड आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से मेरी जो री रेमेडियल्स भी आई, जो भी होता है एटीकेटी बोलते हो क्या बोलते हो मालूम नहीं है, तो उसकी वजह से मैं कोई भी एग्जाम नहीं दे पा रहा एंड आई हैड टू ड्रॉप। सो दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉप। It was not that I wanted to drop out of the college because तब digital marketing क्या था मालूम भी नहीं था। 2009 की बात कर रहा हूँ। तो there was nothing like side hustle. I just wanted to be an engineer at that point in time. That was the whole and sole focus. But then I took a drop. So 7th semester में मैं वापस बैठ सकता हूँ, जब remedials आती है 6th की तो मैं दे भी सकता हूँ। But unfortunately, I don't know what happened. Something weird happened in my mind.
maybe I was disturbed because of this incident. I saw this for the first ever time as a kid who had no responsibility yet. ठीक है yet. But all of a sudden financial crisis आना, घर में एक साथ इतने लोगों को देख लेना, कभी ऐसा देखा नहीं है माहौल. हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, वो भी मेरे पापा को. तो बहुत सारी चीजें हुई, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था शायद मैं. एंड मीन वाइल देर वॉज अ गाय माय फ्रेंड सोहम नथवानी, सनी, उसको हम सनी बुलाते थे. उसने मेरे को एक बुक दी, रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो कॉडर. तो वो दोनों ही बुक मैंने पढ़ी है. मेरी जिंदगी की पहली किताबें मैं अगर बोलूंगा तो वो दो थी. और वो दो पढ़ने के बाद मालूम ये क्या होता है. ओके, सो ये बहुत सारी जो सिचुएशंस थी ना वो क्लब होके शायद मेरे को जब दूसरी बार मैं कॉलेज पे गया था अटेम्प्ट करने के लिए तब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था फॉर द फर्स्ट ऑफ अ टाइम. एंड द थर्ड रीजन व्हाई आई डिडंट लाइक द सब्जेक्ट वाज सेवेंथ सेमेस्टर. आई डोंट नो इफ यू रिलेट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स माइट रिलेट. सिक्स्थ सेमेस्टर तक है ना अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे थे विच वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दो अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स मुझे बहुत पसंद आए लेकिन सेवेंथ सेमेस्टर में वायरलेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स आना शुरू हो गए थे जो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे. वैसे मॉड्यूलेशन सिग्नल्स मोबाइल के एंटेना एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई वाज नॉट फैंटेसाइज्ड. आई यूज्ड टू लव फिजिक्स, आई डिडंट यूज्ड टू लव दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये दो तीन जो सिचुएशन मैंने अभी जो बताई प्रैक्टिकल सिनेरियोस उसकी वजह से शायद दिमाग में कुछ हुआ. मैंने वापस ड्रॉप लिया. सो दैट सेकेंड ड्रॉप वॉज माई डिसीजन. तब मैंने फैमिली को नहीं बताया था. Followed by the third drop similarly because at that point in time now silently because I had to make money as well. तो मैंने job करना भी शुरू कर दिया. So 2010 मैंने first of all call center की और बस ये दौरान शुरू हुआ सिलसिला. और third time जब मतलब वो एक होता है ना कि भगवान ने बोल दिया, कोई संदेशा दे दिया होगा कि अब माँ बाप को बोल दे और मतलब जो करना है कर अभी. तो तब मैंने फैमिली में बोल दिया दैट आपको शायद मालूम नहीं है लेकिन मैंने पिछले दो बार से मैं ड्रॉप ले रहा हूँ. बिकॉज नाउ अंडरस्टैंड आई हैड टू टेल माय फैमिली बिकॉज ऑफ द सेकंड रीजन एज वेल. बिकॉज फैमिली वाले अब डिग्री पूछेंगे. क्योंकि मेरा डिग्री का साल जो था वो 2007 से 2011 का था. मैंने पहला ड्रॉप ले लिया 2009-10 में, फिर दूसरा लिया अगले सेमेस्टर में, तीसरा लिया तब 2011 का साल खत्म होने वाला था. तो फैमिली तो पूछेंगे ना डिग्री का है. सो आई हैड टू से दैट. तो घर पे प्रेशर पड़ी बहुत सारी ये वो एंड देन आई सेड दैट. तो घर पे प्रेशर नहीं आया कि आपके जैसे पापा ने आपको डांटा हो या आपकी मम्मी ने आपको डांटा हो? बहुत. मेरे पापा को पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया था इसलिए ही वाज फिजिकली वीक प्लस उनका मेंटली भी थोड़ा वो चेंज हो गया था ब्रेन माइंड. बट आई एम श्योर अगर मेरे पापा पहले वाले पापा होते मतलब मेरी वाट लग गई होती. मेरी ऑलरेडी वाट लगी थी because of the entire family and samaj gujarati samaj bolte jo society already meri baat lagi thi lekin I am sure agar mere papa jaise the waise pehle hote to ye 10 guna aur zyada baat lagti. aur abhi aapki pitai hoti hai ghar pe mummy se? nahi ab nahi hoti hai. ab by god's grace kuch nahi hota hai. because see now I am at a point in my family not with arrogance or anything but with that pride in myself. That, हाँ, जो भी होता है मैं जो बोलता हूँ वो घर पे होता है. बट नॉट विद दैट कि हाँ मैं ये बोलूंगा तो यही होना चाहिए वैसा वाला सीन नहीं. लाइक द म्यूचुअल डिसीजंस एंड ऑल दोस थिंग्स. बट या द फैमिली रिलाइज ऑन मी नाउ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. अमेजिंग अमेजिंग. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था बहुत हिम्मत चाहिए होती है जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था. आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 रुपये थे जब आपने स्टार्ट किया था, 300 रुपीज. और सोचना 300 रुपये में हम खाना भी नहीं खा पाते अगर देखा जाए तो एक तरीके से. तो ऐसा क्या था आपके अंदर कि 300 रुपीज है और मुझे स्टार्ट करना है? आई जस्ट वॉन्टेड टू गो एंड आई वॉन्ट टू किल इट. मतलब ऐसा क्या आपके अंदर आया कि लेट्स डू इट? वही जो तुमने बोला, जब खाने के पैसे नहीं होते वांदे होते. सिंपल है, यू नो धैर्य. इट्स सो बेसिक एंड दिस इज हाउ आई लिव माय लाइफ. मतलब कभी कभी हम जो सवाल पूछते हैं ना वही हमारा उत्तर होता है, वही हमारा आंसर होता है. बट वी ट्राई टू कॉम्प्लेक्स अवर लाइफ इन थिंकिंग डिफरेंट आंसर्स. तो मतलब आज मैं बोलूंगा धैर्य, अगर अगले 30 दिन तुमको खाना और पीना कुछ नहीं मिलेगा क्या करोगे? तुरंत ही दिमाग दौड़ेगा पैसे कमाने पड़ेंगे भाई. समझ रहे हो? मतलब इट्स दैट फर्स्ट इंस्टिंक्ट व्हिच वी विल गेट. पैसे कमाने ही पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चल रहा है. मतलब तुम ऑप्शंस पावर कब तक यूज करोगे? स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड यू डोंट हैव कनेक्शंस इन पावर. राइट राइट. ठीक है,
आज भी अगर डेरियो को बोलता हूँ तो शायद डेरियो ने तो कनेक्शन बनाए, ये वो दो तीन फोन करेगा, ये वो कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, मिल भी जाएगा, कितना चलेगा। करेक्ट। पर जब तुम शुरुआत करते हो और कुछ नहीं है, कोई तुमको जानता भी नहीं है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑन द सेम नोट देयर वाज नथिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन माय लाइफ, आई डिडंट नो दैट वर्ड, राइट, फॉर द गॉड्स सेक आई एम सेइंग दिस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट 2010 के तब मैंने अपने फ्रेंड के फॉर्मल बोरो किए, बिकॉज मेरे पूरे खानदान में किसी ने फॉर्मल नहीं पहना होगा, मेरे पास फॉर्मल थे भी नहीं, यू नो, so I had to go and appear for this call center job which my friend referred कि ये ऐसा call center job होता है जो मेरे को पता भी नहीं था क्या होगा उसमें। उसने बोला खाली जाके interview देना होता है, and that term walk-in interview वो भी मुझे मालूम नहीं था, मुझे ऐसा था कि बस वहाँ जाके interview देना होता है, बस इतना मालूम था, वो लेके गया, वो दिन था और आज का दिन है। प्रतीक भाई, आपको आप अभी किसी को पता नहीं है, चीजें मैंने बताई नहीं है, जो DSIM में जिस टाइम आप जॉब कर रहे थे, शायद उसके एक साल बाद DSIM में मैं भी जॉब कर रहा था और मैंने भी वहीं से कोर्स किया था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कई पॉइंट ऑफ उसके अंदर, तो आपके हिसाब से पैसा आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा मैटर करता है? Just like this tattoo. All right, dollar. Currency is equally important for me. All right, it is equally important in my life. But at the same point in time, legacy and love is also important for me. And that's where currency is a little bit less important for me than legacy. So see, greater than currency. Now, this mental state was not there since the beginning. I will be very honest. मैं जब शुरुआत की थी, when I jumped into digital marketing by seeing a banner how to make additional money, $5,000 per month. So अगर मैं money oriented नहीं होता तब, तो मैंने शायद click भी नहीं किया होता. Correct. You know. So yes, I was also that kind of kid which most of the youngsters right now are, के Shopify का कोई screenshot देख लिया या कुछ भी देख लिया, तुरंत ही कूद पड़ते हैं, उनको लगता है बस अगले महीने अपना भी चांदी चांदी है, ऐसा नहीं होता है. So that I too realized. और उसकी वजह से मैंने पहले जो अपना टैटू बनाया था, ये टैटू एक अफर्मेशन है. सो क्लोजली आई डोंट नो इफ आई दिख रहा है, दिख रहा है फोटो, मे बी यू कैन डिस्प्ले दैट फोटो. यहाँ पर एक वेल्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर सक्सेस लिखा है. So I used to have these kind of tattoos as well, which are money oriented, I guess. This is a wealth positive affirmation. I love, which is a heart symbol. I love infinite wealth and success, which is flowing in my life and which is hooked to my hand. So yes, I love money. Paisa kamana zaruri hai yaar. आज मेरे पास पैसे है, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, बैंक में भी पड़े हुए हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है माता जी की दया से, लोगों का प्यार है, तो मैं ये इंटरव्यू में बोल भी पा रहा हूँ, तो मैं ये इंटरव्यू देने के काबिल भी हूँ, तो मैं आराम से बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ, तो मुझे कोविड हुआ फिर भी फर्क नहीं पड़ा, और उस माइंडसेट से भी कि मेरे को अब लोगों के लिए कुछ करने का है इस दौरान, वो भी मैंने किया, ठीक है. So, right. अगर ये पैसा नहीं होता तो कैसे होता? That's correct. What I tell people, that first help yourself before helping others. Correct. Amazing. So, काफी पावरफुल था ये जो आपने टैटू वगैरह की अपनी स्टोरी बताई, ये सारी चीजें, और मैं इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे दे देना, क्योंकि ये शायद डेरिया, for sure I'll give you, but डेरिया, this is, I don't know how, but this is for the first time I'm actually showing. I've showed my tattoos previously long back ago, but I've explained this for the first ever time like this. और ये आपके अभी पूरी बॉडी पे कितने टैटू हैं आपकी? चार. This is the only hand which has tattoos. 1, 2, 3, and 4. और future में करवाने का सोचा है कुछ? I don't think like that. All right. All these are moments. All these are moments in my life when I thought कि हाँ मुझे करना है, तब capability है, कर लिया. ये मेरा पहला टैटू था, ये एक्चुअली में 6,000 का है, लेकिन मैं कॉल सेंटर में था, तो मुझे, आई मीन, डू यू थिंक आई वुड हैव स्पेंट 6,000 रुपीस व्हेन आई वाज इन कॉल सेंटर डूइंग अ जॉब ऑफ 9,700 रुपीस? नो, आई डिडंट हैव मनी. सो ये मैंने कूपन कोड टूटा, तब coupondunia.com था. अच्छा. आई डोंट नो इफ पीपल नो और नॉट, बट coupondunia.com था, उसमें 96% ब्लैक स्टेन टैटू वस्त्रापुर लेक के अहमदाबाद में है, वहां का एक कूपन कोड, तो ये मेरा 150 रुपए में हो गया. अच्छा, वाह.
Okay. You know? So from that deeds of rupee to now, yeah, thousands of rupees I can. So yeah, it's a journey. Pratik bhai, आपने ना बहुत मेहनत करी है, ठीक है, इतना कंटेंट निकालना, इतना ज़्यादा कंटेंट निकाला. अगर कोई सोचेगा भी कि मुझे प्रतीक की तरह कंटेंट निकालना, तो 10 बारी सोचेगा कि यार मैं इतना कंटेंट कैसे निकालूं. अगर कोई कोशिश भी करेगा किसी को फॉलो करके कि मैं चलो यही सारी चीज़ें करके कर लेता हूं, तो भी वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप बहुत सारा कंटेंट निकालते हो और क्वालिटी कंटेंट निकालते हो, और लोग डेफिनेटली उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. और आपको जीरो से डिजिटल प्रतीक बनने में बहुत समय लगा है, मुझे पता है इस चीज़ को. क्योंकि अगर वही डिजिटल प्रतीक आज मैं छीन लेता हूँ, या मैं जीरो पे लाके आपको खड़ा कर देता हूँ, बिल्कुल जीरो पे, क्योंकि आपने बहुत कंटेंट डाला है, बहुत मेहनत करी है, और एकदम से सडन डिजिटल प्रतीक चला जाता है, कंपनी एकदम से जीरो पे आ जाती है, तो आप क्या करोगे? दोबारा इसमें आना स्टार्ट करोगे कि वही जो मैंने 2010 में किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ जॉब. आई वोंट थिंक ऑफ अ सेकंड थॉट, जस्ट लाइक आई डिडंट थिंक राइट नाउ बिफोर इवन यू completed your statement, I said my answer. I'll take a job. Which is what I exactly did in 2017 as well, when I was into crisis after making money. Right? All right. In 2017, once again, I had a crisis due to some reasons. Lot of family reasons. And because of which I thought, okay, fine, let me take a break. Let me take a break by my freelancing career and all those things. What will happen? Public thoda sa bolega, idhar udhar bolega. Toh theek hai, chalo, sambhal lunga. बट मेरे में इतनी औकात है कि 6 महीने में लोग वो भूल जाएंगे. मुझे उनको जवाब नहीं देना है, लेकिन वो लोग भूल जाएंगे. Correct. और वो लोग मेहनत देखेंगे कि हाँ, वापस करना कठिन था, फिर भी इसने किया. सो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डिड. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो डिजिपरफॉर्म की मेरी जो जॉब थी वो क्राइसिस के बाद मैंने ली. माई डिसीजन कि आई वॉन्ट टू टेक अनदर जॉब नाउ वंस अगेन, एंड दैट वॉज प्रोडक्ट मैनेजर. अमेजिंग. प्रतीक, आपने 2017 में शायद DSIM का कोर्स किया था ना, 2017 में? Sorry? आपने DSIM से जब कोर्स किया था, तो आपने शायद 2017 से में स्टार्ट किया था ना? No. That is 2017 में तो मैं डिजिपरफॉर्म में जॉब कर रहा था. Alright. It was 2014-15ish. Alright. जब गौरव मदान was a trainer in DSIM. इसका भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है. मतलब मैं कॉल सेंटर में था. That was the company known as Idea Bright Limited company. Okay. अहमदाबाद में ही कॉल सेंटर था. और उसके अंदर एक directmobiles.co.uk करके एक प्रोसेस था, जिसमें मोबाइल प्लान्स यूके में बेचना होते थे. सो इन दैट कॉल सेंटर जॉब आई रेज माइसेल्फ टू कस्टमर सर्विस हेड. तो कस्टमर सर्विस हेड जब मैं रेज हुआ था या प्रमोट हुआ, तब मेरे पास थोड़ा सा एडिशनल टाइम बचता था. और दौरान मैंने सोचा कि यार, अभी मैं इतने टाइम से ये एम्पावर नेटवर्क का सीख रहा हूँ, विक्स ट्राइजर्स का सीख रहा हूँ, बिग आइडिया मास्टरमाइंड का सीख रहा हूँ, मैंने सब इंटरनेशनली सब कुछ देखा. मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया में कौन कर रहा है. तो इंडिया का सर्च करना शुरू किया मैंने. डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं क्या. तब तो कीवर्ड्स क्या था मालूम भी नहीं था इतना सारा. पर सर्च कर रहे थे. सो मैंने सर्च करते करते ऑब्वियसली DSIM वाज अ ग्रेट एडवर्टाइजर एट दैट पॉइंट इन टाइम. यू नो, मतलब किसी की औकात नहीं थी कि गूगल एडवर्ड्स में उनको कंपीट कर सके. सो ऑब्वियसली आई सॉ देयर एड्स, मैं क्लिक किया, बैनर गया, कोर्स तब था. आई वोंट रिवील द अमाउंट, इट वुड बी बैड फॉर मी टू say a couple of things. मुझे नहीं बोलना, because I still respect the founder, जो अभी तो basically emerge हो गया है digital विद्या से, but Kunal Chaudhary was the founder. Right. And right. No matter what happened between me and DSIM, good, bad, whatever it is, but I'll always respect Kunal Chaudhary for the things which we have between us. Not as a person, वो जो भी होंगे, क्या है मेरे को मालूम नहीं है, but for me he'll always be a big brother because he has done a lot of things. So coming back to this, DSIM में 2014-15ish में ऑनलाइन बैच का मैंने कोर्स ले लिया. वो भी कैसे जुगाड़ करके लिया था, बिकॉज़ आई डिडंट हैव मनी, बिकॉज़ इट वाज इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीस एट दैट पॉइंट इन टाइम एज़ वेल. 5 महीने का कोर्स ऑनलाइन बैच था. अब मुझे मालूम नहीं था कैसे होता है ये. सो दे आस्क्ड मी, द सेल्स टीम आस्क्ड मी टू पे द एंटायर अमाउंट, एंड आई एम लाइक, नो आई डोंट हैव मनी, बिकॉज़ तब मेरी 18,000 की कुछ जॉब थी वो कॉल सेंटर में, एंड इंसेंटिव्स के साथ कुछ 25,000 कुछ हो जाता. तो मेरे फ्रेंड्स मेरे जो पीजी में थे, उनको मैंने बोला कि मेरे को ऐसा है. तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि इनको पुश ईएमआई जैसा सिस्टम होता है. तो मेरे को वो भी नहीं मालूम था, यू नो, दैट काइंड ऑफ गाय आई वाज. आई स्टिल डिडंट नो हाउ टू नेगोशिएट लाइक दिस. सो वो मैंने नेगोशिएशन ईएमआई का उनको बोला कि ईएमआई हो सकता है क्या. तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, आपका 2 इंस्टॉलमेंट में होगा. एंड देन माई फ्रेंड टोल्ड मी, ओके फाइन, हाँ बोल दे, तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, तू सैलरी में से मेरे को देते रहना.
दैट इज हाउ आई ज्वाइन दैट कोर्स. वो कोर्स जब ज्वाइन किया ना तो दैट पॉइंट इन टाइम गौरव मदन वाज द ऑनलाइन ट्रेनर एंड I had already learned a lot of things from Big Idea Mastermind, which was a group of Rick Strisius, the bap of King of Online Traffic, 4% group ka founder right. and Siddharth Rajshekar ka member. So, unse maine bahut sara sikha tha already and I was already practicing. But then I got this Indian touch and that is the reason why I'm always, and I always will be grateful to Gaurav and I always tell him whenever we call and chat, ke, उन्होंने गौरव ने भी मेरे को बहुत हेल्प की. Though he is younger to me in the age, but he'll always be elder to me in certain things. So, because गौरव वहाँ ट्रेनर थे, मेरे को इंडियन टच मिला, तो बहुत सारा सीखने को मिला. And I was just practicing as always. और मेरा प्रैक्टिस देखने की वजह से गौरव asked me right at the end of the batch, चार पांच महीने का जो बैच खत्म हुआ, कि would you like to be a trainer? और मेरा दिमाग खिसका, मतलब wow. I'm getting a digital marketing job. और तब मेरा 18-20 हजार का जो जॉब था उससे मुझे obviously अच्छा अमाउंट मिल रहा था, which was not that good. But as compared to that Ahmedabad salary, दिल्ली में मेरे को salary बहुत बड़ी मिल रही थी. And as a Gujju guy who has never sat in a flight, who has never come out of Gujarat for a single day in his entire 28 years or 27 years at that point in time, मेरे को लगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ. Wow. So all those factors, and then I got that job. It was I guess it was October or November 2015 when I was hired as a digital marketing trainer at DSI. In 2015. All right. So mera career bahut it would be October. October yeah, November 2015. I'm not sure about the month, but it is for sure 2015. I left DSI as a trainer after 9 or 10 months, which was in June 2016. All right. आपका करियर के मतलब जब आपने टीचिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, मेरा काफी बाद में स्टार्ट हुआ. 2017 में मैंने स्टार्ट किया था और 2017 में ही मैंने DSIM में ये शर्त रख दी थी कि मैं यहाँ पे कोर्स जब ही करूँगा जब मुझे जॉब दोगे आप. और वो क्लाइंट रिलेशनशिप वाला मुझे जॉब मिला था, तो मैं 3 घंटे पढ़ाई करता था और 3 घंटे वहाँ पे कन्वर्ट करता था बैठ के स्टूडेंट्स को. उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे एज अ टीचर मिल गया था जब मैंने कराना स्टार्ट किया, तो मैंने 1 हफ्ते पढ़ाया. उसके बाद एक कंपनी में मैंने जॉब कर ली थी, स्पीकिंग टाइगर करके कंपनी थी, तो मुझे कंपनी में जाना था. तो वहाँ से मेरी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई थी. तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. बट एनीवेज आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें, आपको इसमें से 1 चीज़ चूज़ करनी है. आप मेंटर भी हो, टीचर भी हो, बिजनेसमैन भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हो और मैंने आपके कोर्सेज देखे हैं. और जो फेसबुक वाला कोर्स है, इतना सुपर इनडेप्थ कोर्स है, इतना सुपर इनडेप्थ कोर्स है, मैंने आज तक नहीं देखा इतना सुपर इनडेप्थ कोर्स. क्योंकि मैं उसको कर रहा था बैठ के और उससे इतने ज़्यादा हमें चीज़ों के बारे में पता लगा, यार ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, इतनी डीप होती हैं. तो हमें वो करके पता लगा कि आपके अंदर ना टीचिंग का पैशन है, ठीक है, वो देख के पता लग गया था कोर्स देख के. आप बिजनेसमैन भी हो, अगर आपको इसमें से 1 ऑप्शन मिले, टीचिंग या बिजनेस, क्या चूज़ करोगे आप? Depends on the practical situation which I would have at that point in time. If I need money desperately in my life, I'll choose teaching as the profession, wherever I have. And if I have, let's say, savings of next 6 months to 12 months in my bank account, I'll definitely opt in for a new business as a businessman. All right. तो आपके आपका सबसे पहले आपके mentor कौन है और आपने अपने आप को उनको देख के क्या क्या चीजें improve करी, बहुत लोग जानना चाहते हैं सारी चीजें. See, to go in a macro level, my life has always been my biggest coach, I would say, teacher, mentor, coach, जो भी बोलो वो adjectives. Because मैं चाहूँगा first standard में, ये मैंने कभी बात नहीं की थी. I mean, this is for the first time somebody is asking me a question in a different angle. So yeah, when I'm thinking, self-auditing my past, I'm going into my first standard. A lot of people, probably most of you guys don't know that I'm not a college dropout, I'm a first standard dropout. मैंने first standard में भी drop लिया है. मैंने भी लिया है. So मेरी sorry. मैं भी first class में fail हो गया था. Drop नहीं लिया था, मैं fail हो गया था. No, मैं fail लिया, मैंने exam ही नहीं दी थी. There was a reason because we were expecting my sister at that point in time. So my mom was मायके में थी वो. तो उस टाइम में स्कूल जाते टाइम मेरे पापा जब मेरे को छोड़ते थे, मैं बहुत रोता था.
एंड मेरे को मम्मी चाहिए, मेरे को मम्मी चाहिए, छोटो मम्मी के साथ ही खेला था ये वो. तो देन माई डैड एंड बिकॉज 3 महीने हो गए थे और नहीं 1.5-2 महीना जितना हो गया था एंड आई वॉज लिटरली जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग वाइल गोइंग टू स्कूल. सो पापा फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि पापा अकेले घर पे काम भी करना है, ये सब कुछ करना है एंड वी डोंट कम फ्रॉम दैट हाई रिच बैकग्राउंड. तो जो भी था वो पापा ही तब कमा रहे थे. सो पापा ने प्रिंसिपल से बात की थी तब और उन्होंने बोला कि ठीक है प्रतीक वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, भले पढ़ाई में तब मैं लेजी था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओके, पढ़ाई में मैं तब लेजी था एंड देन मेरी वो प्रिंसिपल मैम थे दिनबला शाह, उन्होंने मेरे क्लास टीचर को बुलाया था और वो क्लास टीचर का नाम श्वेता मैम था. तो उनको बुलाया और उनको बोला कि ये रिपीट करेगा तो चलेगा एंड देयर वाज नो सिस्टम लाइक दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम. मतलब आप सोच रहे हो, मतलब धैर्य, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टैंडर्ड, कितने साल, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1980s, अर्ली 1990s, यू नो. सो तब मतलब बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब. तो तब मैं स्कूल में जब ऐसा बात किया तो टीचर ने बोला ठीक है एक काम करते, इसको रिपीट करवा लेते, इसका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा, ये वो फलाना ढिमका कुछ तो किया उन्होंने और रिपीट करवाया. रिपीट करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, केमिकल लोचा वापस जो कॉलेज में हुआ था वो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो गया कुछ एंड आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेल, आई स्टार्टेड स्कोरिंग इन टू टॉप 5, फर्स्ट रैंक से फिफ्थ रैंक के बीच में आता था. From first standard till 12th standard, I have always been a class monitor there. So I feel that principal ma'am and that class teacher was probably the first ever mentors in my life. After parents, obviously. ठीक है? तो वो एक mentor थे. फिर ऐसे ही मेरे स्कूल में सारे मेंटर हैं. 9th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ, बहुत टाइम वीडियो में बोला है, मेरा जो इंग्लिश जो भी है थोड़ा सा भी अच्छा है, जो भी है being a Gujarati student. तो वो इंग्लिश का मेरे को एक मैम ने बताया था 9th स्टैंडर्ड में, जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश मूवीज देख सबटाइटल्स के साथ. तो 9th स्टैंडर्ड यानी 2000 साल की बात कर रहा हूँ, 2002-2003 तब कहो ना प्यारे मूवी आया था, यू नो 2000 और कहो ना प्यारे में जब ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल नजदीक आते हैं तो पापा चैनल बदल देते हैं, वो जमाने की बात कर रहा हूँ. और मेरी मम्मी और मेरी मम्मी, अरे मेरे मेरे टीचर मेरे को बोल रहे हैं कि इंग्लिश मूवीज देख, तब टाइटैनिक आता था, मेरे को बोले टाइटैनिक देख लियो, मरवाओगे क्या मेरे को, नहीं मेरे को अमीषा पटेल देखने को मिल नहीं रही है, आप मेरे को टाइटैनिक में ये दिखा रहे हो केट विंसलेट. तो मतलब यू नो, सो शी इज ऑल्सो माई मेंटर, आई कोट हर अ लॉट ऑफ टाइम, जैस्मिन मैम, जैस्मिन क्रिस्टी है. तो वैसे ही देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स कमिंग टू माय कॉलेज. कॉलेज हैज बीन ग्रेट. वन ऑफ माय सर नरेंद्र चौहान, जो मेरे से 2 साल बड़े हैं, he follows me on Instagram every day. तो वो अगर आज देख रहे हैं तो नरेंद्र, तो वो एकदम भाइयों वाला रिश्ता है हमारा, इनको बापू बुलाते हैं वो. तो उनको अगर वो देख रहे वीडियो तो जय माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. Yeah, so it has been a great journey. And talking about a job, the corporate mentorships, I would say, when I was in call center, so Grand Cardon videos bahut help kiya, because that many times was very active tactically on the phone videos on YouTube, Grand Cardon. I used to watch Bob Proctor a lot with respect to mindset. Then Vic Streisius, definitely in marketing, to start with David Sharp, David Wood, the founders of Empower Network. Plenty of. To summarize entirely and now Gary Vaynerchuk since 2016, Gaurav Madan jaise maine baat ki, like there are so many. That's right. The reason why I say like my life is my mentor, the biggest mentor. Right. I won't give credit to any one and I'll give credit to all. Amazing. That's how I see my mentorship of my own job. तो आपके अंदर काफी सारे मेंटर्स की नॉलेज है, जितने आपने कितने सारे मेंटर्स को फॉलो करा, क्योंकि एक मेंटर मुझे भी ये लगता है कि मैंने जितनी भी अपनी सारी चीजें आज तक लाइफ में सीखी है वो मल्टीपल मेंटर्स से सीखी है, कि किसी एक स्पेसिफिक से नहीं सीखी. और ये अच्छी चीज है कि आपके अंदर थोड़ा सा मल्टी टैलेंट आ जाता है, आपके अंदर मल्टी टैलेंट है. I'm sorry to cut you, but ये मुझे बुरा लगेगा अगर मैं विशन लखियानी की बात नहीं करूंगा, मैं से निकल गया. Mind Valley to me since 2012 or 13, I would say. I took his first ever program, free program, पैसे नहीं थे. Silva Life System करके एक program था, तब से लेके आज तक, मतलब I'm a Mind Valley All Access member as well since past couple of years now. So yeah, हाँ. वैसे मतलब अभी सोचने बैठूंगा तो बहुत सारे ऐसे हैं, but मुझे बुरा लगा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो I wanted. माइंड वैली का काफी इम्पैक्ट मेरी लाइफ में भी था,
और मैं माइंड वैली में सेलेक्ट भी हो गया था, मैंने इंटरव्यू के लिए डाला था और मैं सेलेक्ट हो गया था, बट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सही बैठ नहीं रहा था तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो माइंड वैली का मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। अच्छा प्रतीक भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो और जितने यंगस्टर हैं, ठीक है, आप क्लियर हो ना आपको कहाँ जाना है? नहीं क्लियर हो? नहीं, प्लीज, दिस इज द रीज़न, आई मीन सी, यू पोर्ट्रे मी एज अ क्लियर गाय, आई डोंट वांट, आई एम, दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग, यू नो, यंगस्टर्स, दे गो बिकॉज व्हेन दे सी समबडी, दे थिंक दैट दिस गाय इज क्लियर, व्हाई? बिकॉज दे सी एंड कंपेयर देयर फर्स्ट चैप्टर 33rd चैप्टर। मुझे गैरी वेनरचक कंप्लीट और क्लियर लगते हैं, लेकिन गैरी वेनरचक को आई एम श्योर इफ समबडी आस्क, ही वुड से आई एम नॉट क्लियर, ऑल ही वुड से इज ही नोस ही वांट्स टू बाय न्यूअर जेट्स, बट ही ऑलवेज सेज दैट ही इज नॉट चेजिंग दैट, ही इज चेजिंग द प्रोसेस, सो ही इज नेवर क्लियर, इफ ही इज क्लियर ही वुड बाय, ही वुड से दैट आई विल बाय न्यू जेट्स इन दिस ईयर विद दिस अमाउंट, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड देयर, वी ऑल, आई मीन, मैं अगर आपको पूछूंगा, मतलब आर यू क्लियर राइट नाउ, आर यू क्लियर? मुझे वैसे आपका मैं इसका आंसर दूंगा तो मुझे जो चीज करनी होती है ना मैं उस पर फुल फोकस्ड के साथ करता हूँ जब तक वो चीज हो नहीं जाती। Exactly. So you're not clear in life. You're clear with some purpose, some particular thing in your life. So जो ये clarity in life की बात होती है ना, we don't have to do that. There is nothing like clarity in life because तुम्हारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है अगर तुमको मालूम होता तो तुम भगवान है भाई, अपुन इस भगवान है, करेक्ट करेक्ट, यू नो, सो clarity in a given moment, so let's suppose right now if I am selling this t-shirt and I have digitalpratikmall.com launched, then yes, I am clear that how I want to promote that, but I am not clear about it making it like हाँ बस billion dollar प्रतीक आप मुझे एक चीज और बताइए कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज आपको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ों के बारे में कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी, आपकी क्या क्या बिजनेसेस हैं या किस तरीके से आप अर्निंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को जानती, मेरी कंपनी में भी लोगों को नहीं पता था कि प्रतीक भाई का एक्चुअली है क्या। और जब भी आप ब्रेक पे जाते हो ना, वो पोज डाल के जो जाते हो, प्रतीक भाई आने वाले कुछ तबाही मचाएंगे, कुछ तकड़ा करेंगे, वो इस बार तकड़ा करने की प्लानिंग में। तो अभी आप ये राज खोल दो कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, कंसल्टिंग है, क्या क्या चीजें आपकी? सो डिजिटल प्रतीक कंसल्टिंग एलएलपी इज माय कंसल्टिंग एजेंसी वेयर आई हैव अ कंटेंट टीम, आई पर्सनली डू अ लॉट ऑफ स्टफ, सो आई एम जैसे गैरी वेनरचुक बोलते हैं ना कि ही इज अ सीईओ बट अ वर्किंग सीईओ एंड ऑपरेटर ऑफ अ कंपनी, सो आई एम सिमिलर टू दैट, I'm not just the CEO or the founder of a company. I actually do marketing. I run Facebook ads. जैसे आपने वो देखा Facebook ads course में, that is just recorded by me. अगर वो record इतना सारा कर रहा हूँ, वो इसका मतलब है मेरे को वो practical knowledge है. ऐसा नहीं है कि theoretical knowledge है. तो वो सब चीजें हैं. So I do all those things. So वो मेरी consulting agency है जहाँ पर तीन level के products होते हैं. Entry level product is just consulting call. Second level of product is monthly contracts where we go with 3 months, 6 months, 12 months consulting services for corporates, brands. And then the last program is an yearly contract where I go with 360 degree solution where I actually run that business based on my knowledge. All I say is, you give me this budget, XYZ, bhul jao, aapka business ka 10x revenue, main karke dunga. So that's how the consulting agency is, but now I am diverting that third vertical, which is a 360 degree solution. Usme se main media ko ek alag level pe leke jana chahta hun. So I'm just trying to have a second company which is under process right now. Wo bhi ho jayega. Then I have I have a fixed mindset of making money. That's something which I'm clear about. So let's talk about that clarity point in with respect to this practical example. I'm clear about the income goals which I want for an year. I'm not in rush in scaling anything. So that's the reason why I keep a mix of two things. I keep a
set of two or three consulting clients where Sara, but see, this is where the magic lies. I never negotiate. There is always a fixed price and people pay me full advance. That's the best part, yeah. तीन चीज मेरे साथ है उसकी वजह से आई डोंट वरी अबाउट गेटिंग 5 क्लाइंट्स और 50 क्लाइंट्स आई जस्ट फोकस ऑन हैविंग 2 क्लाइंट्स बिकॉज़ वो अगर इतना भरोसा करके मेरे पास आ रहे हैं फुल एडवांस पेमेंट ऑफ 3 मंथ्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स व्हाटएवर इट इज देन आई हैव टू डिलीवर देम एंड दैट टू इन 10x टाइम्स मोर सो दैट दे स्टिक विद मी फॉर 2-3 इयर्स एट लीस्ट राइट एंड दैट्स व्हाट has been happening. So I keep a mix of 2 or 3 consulting clients, a mid-level product, and the higher ticket product, 360 degree solution, which goes in lakhs per month, that I keep only 1 or max to max second client, if I want. So that's where I think that, agar hum bole, aaj jo bolte ki meri agency mein hum log 50 client, I have 50 clients. But wo clients kaise honge, kisi ka logo bana diya, to wo client ho gaya. Hai, mera waisa scene nahi. मेरा सीन थोड़ा अलग है मेरा लेवल ऑफ वर्किंग इज कंप्लीटली इनटू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग तो मैं उसमें ऐसा नहीं करूंगा कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है तो लोगों का क्लाइंट ले लो चलो ले लो 5000 मिल गया तो 5000 रुपए का भी एक क्लाइंट हो गया तो वो क्लाइंट को गिरा के बैठते एजेंसी वी हैव वर्क फॉर दिस क्लाइंट लाइक दिस या तो फिर एक वीडियो किसी के लिए बना लिया तो वो क्लाइंट बन गया मेरा वो वाला सीन नहीं है दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव वेरी लेस नंबर एंड आई डोंट शो दैट नंबर एनीवेयर आई हैव अ बैक एंड में डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू माय क्लाइंट्स सो या दैट इज वन ऑफ द वर्टिकल्स व्हिच आई मेक लॉट ऑफ मनी पर मंथ या पर ईयर आई वुड से देन या एट टाइम्स वंस इन अ व्हाइल Maybe twice, I would say, I launch new courses depending upon the demand by my audience. Not because I want more money. So that is just an optional thing I might just come up with. But now, because the industry is going into education, a lot of people are telling me to create courses. People like you are finding Facebook ads course, which I had created initially for free. That course was actually for free in 2020. Imagine. Right, that kind of in-depth course, which you feel is so much in-depth level, I just provided for free. So I am never money-oriented with respect to selling a course. But now I want that. Why? Because I feel that I can structure programs in such a way. And then, I don't know, I have that maybe God-gifted or maybe I have trained myself well in training people because of the background which I come from. So, मुझे लगता है कि ये courses अभी sell करूँगा तो अच्छे से होगा, which is what I started doing from 2020, the podcast roadmap challenge, which was a great hit, then all these courses I'm doing. So, I am now thinking of not launching courses on my own. I'll be collaborating with people in different level, which people will see maybe soon enough. So, वो एक second income हो गया stream, then yeah, I do plenty of the stuff. मतलब मैं brand deals नहीं करता. नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं करता एक तो की है मैंने बट दैट टू मतलब आया है तो किया बाकी मैं उसमें एफर्ट नहीं डालता हूँ आई लीव मनी ऑन द टेबल लाइक क्रेजी बट आई एम हैप्पी विद द मनी व्हिच आई मेक ऑलराइट तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन और मुझे पता है इसका या तो आप आई लव दैट आप या तो इसका घुमा के आंसर दोगे या बताओगे नहीं आप इसमें से एक चीज करोगे पर्सनल लाइफ का होगा तो घुमाऊंगा नहीं पर्सनल लाइफ से भी है कनेक्टेड मतलब थोड़ा सा देखो ऐसा है एक्चुअली कि आपकी मंथली इनकम कितनी होती है रफ आइडिया कि हमारी ऑडियंस मोटिवेट हो जाए See, ये मतलब because it's your channel and you own your audience, तो आपकी audience के लिए मैं बताऊंगा, but I literally feel that monthly income should not be your motivation. This is my honest belief. And again, I'm saying that this is just my own perspective. हर एक लोग का अलग अलग नजरिया होता है, and I give due respect to that. ठीक है, लेकिन मेरा ये नजरिया नहीं है. But because you are asking, I guess. मैं घुमा के आंसर दूंगा सो बट आंसर बहुत बढ़िया है मैंने अपने घर में मेरे पापा मम्मी है ना मेरे पापा मम्मी बहुत ही मतलब वी कम फ्रॉम अ वेरी लो ग्राउंड एंड अभी भी मेरी लाइफ स्टाइल अगर घर पे आप लोग आओगे तो आपको लगेगा कि मतलब इज दिस रियली तिरुपति होम बिकॉज आई डोंट स्पेंड मनी ऑन हाउसेस या कार्स या फैंसी थिंग्स समथिंग लाइक दैट आई एम कंफर्टेबल विद लिविंग व्हाट आई हैव सो मेरे पप्पा मम्मी मेरे को बोलते हैं कि मेरे पप्पा मम्मी को भी मालूम नहीं भाई सो मेरे को बोलते हैं कि चल रहा है ना तो चले चले तो बिकॉज दे डोंट नो हाउ दिस डिजिटल दे डोंट नो डिजिटल मार्केटिंग
मोटिवेशन इन अ गुड वे. I give my parents 20,000 rupees every single month like that, and I don't ask for any hisab. It's their money, whatever they want to do. Amazing. On top of that, the home which I'm living, this is a 3 BHK, fully furnished home, and this is still on rent. I don't own this. I believe in paying rent and then not paying in down payment, and there are a lot of reasons. So yeah, I'm paying a rent which is once again that same amount which I told, because I got this home a little bit naked, then I furnished it. Mera office tha abhi tak jo abhi covid se bhi pehle maine band kiya, abhi 2 mahina hua, to uska rent main pay karta tha, which was equivalent. I have a content team whom I pay salaries which goes in tax. Lakhs tak pahunch jati hai. And then I do plenty of advertisements which goes in lakhs. Wo mujhe pata hai kitne ka advertisement aapne kiya tha. Yeah, so you know so I got an idea. Yeah. So this is the thing. And then see, I never buy my so the only thing which I am proud about owning is my iPhones. एक अच्छी motivational level के तौर से, show off की तरह से नहीं, but yeah, I have iPhone 7 Plus, XS Max, 11 and 12 Pro right now. All of them are one shot payment. Amazing. The Mac Pro which I'm using, one shot payment. So yeah, I mean that's great. ये बहुत motivating है. Idea. Yeah, ये सारी audience के लिए जितने भी ये interview देख रही है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था और जिस पॉइंट पे आज आप हो, वो बहुत मोटिवेटिंग है. और जितना आप अर्निंग कर रहे हो, ये मतलब don't fix a number in your head that because let's say aapki audience hai, to let's suppose aapki audience aapko dekh rahi hogi, aapko dekh ke bolegi ki haan dhairya aaj let's say ye course mein se 5-10 lakh rupaye kama raha hai mahine ka, ya 15-20 lakh rupaye kama raha hai mahine ka, usse bhi age karne ka, aisa dheere ke jaisa karo aap log, lekin wo income ko fix apne liye mat karo. आपकी नीड्स, आपकी सिचुएशन, सब कुछ अलग होगी. करेक्ट. जैसे कि मैं आज मोटिवेट होता हूँ गैरी विनरचुक की लाइफस्टाइल से या सब कुछ से, ठीक है, बट आई हैव नेवर फिक्स्ड एन इनकम लेवल लाइक हिम. आई डोंट वांट टू बाय समथिंग लाइक न्यूयॉर्क जेट्स. आई डोंट वांट टू हैव अ कंपनी स्केल लाइक विनर मीडिया स्केल, मे बी इन फ्यूचर बट नॉट राइट नाउ. राइट, व्हाट आई थिंक इज गैरी विनरचुक जब 32 साल के थे, बाय द वे आई एम 32, सो गैरी विनरचुक जब 32 साल के थे, व्हाट ही वाज डूइंग, he was working as an employee for his dad's wine library, right, and he was fucking running Google ads and Facebook I think Google ads and email marketing and all those things. Ye log nahi samajhte na. So what I'm thinking is I just have to be the hardest working employee of digital Pratik brand, right? That's all. Amazing. Scaling amazing. 2031 mein baat karenge. Amazing. और बाकी की चीजें मैंने आपसे बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीजें पूछी है, तो मुझे पता है आपका क्या क्या चल रहा है. और अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप एक $1 million एडवाइस क्या देना चाहोगे ऑडियंस को, कि एक मिलेनियर का माइंडसेट होता है वो एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड होते हैं कि यस आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस टास्क और आई वॉन्ट टू डू दिस. तो एक $1 million सीक्रेट आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को? Hard work is the only secret, because I feel that luck is just an accident in the hard work. There is no secret. If there is any secret, like $1 million secret, I would have $1 billion in my bank account. There is nothing like that. Correct. I'll give you a very practical scenario of my last 11 years of my experience. In my entire 20s, when I used to go with this seven figures blueprint and $1 million secrets to build a digital empire and all those things. Yes, at worst. But लोग भूल जाते हैं कि वो करने के बाद तुरंत नहीं होगा. वो करने के बाद शायद 5 साल लग सकते हैं, depending upon your situation. वो करने के बाद 5 महीने लग सकते हैं, depending upon your capabilities. वो करने के बाद शायद 50 साल लग जाएंगे, depending upon your
family issues. Correct. I don't know. Correct. So there is no secret. Khali, matlab there are $1 million secret by Digital Pratik is equal to just focus on your life's practicalities in the now and then decide what kind of future you will have and motivate yourself. Amazing. Right? Amazing. Motivate yourself by looking at somebody else's future or present right now. Motivate yourself by looking at how you want to be, but then accept the practicalities which you are having right now. Live that. Be in that struggle mode. Challenge yourself. It's like upgrade to hitting age or wahan tak pahunchenge. Lekin isko kabhi bhi erase mat karo. Take this as an experience in your life. The reason why I'm able to talk with all the new examples and practicalities from my life is because I've lived that. Right. It's not because I'm reading some novel. Right. Right. You know? Storyteller banna hai, pehle khud ki story banao. Correct. Correct. प्रतीक भाई लास्ट दैट्स माय जोर विचार अमेजिंग अमेजिंग हमारी कंपनी में भी काफी सारे लोगों ने जोर विचार को एनरोल करा हुआ है और मैं भी आपके ईमेल्स देखता रहता हूँ और अभी जैसे इंटरव्यू खत्म होगा मैं आपको मिलाता हूँ प्रतीक भाई लास्ट क्वेश्चन सिर्फ लास्ट क्वेश्चन होगा ये व्हाट एडवाइस यू विल गिव मी टू ग्रो जस्ट फॉलो योर ड्रीम ऑलराइट थैंक यू सो मच प्रतीक भाई The biggest thing which you need in your life is your name. Correct. I got it. Pratik bhai, jitne sare question the, aapne bahut hi tagdi tarike se unka answer diya. Aur ye interview, it's not about the digital marketing, it's about the life and ki aapko life mein aage kaise badhna. Aur ye bahut valuable interview hai. Mujhe lagta hai is interview se kafi log bahut kuch seekhenge, jinko direction nahi hai, jo life mein kuch karna chahte, un kafi logon ko bahut kuch seekhne ko milega. Pratik bhai, thank you so much for coming on this show and giving so much of value. And I hope hum future mein dono milke saath mein bhi kaam karne wale kahin na kahin. Ye mujhe pata hai deep down. Sure, Darya. And before we end, I would just like to tell, first of all, thank you to you, your team who is working on the behind the scenes right now. Logo ko ye message diya that aap jo Darya ko log follow karte ho, मतलब honestly I would say I've not seen closely working वो कैसे काम करता है but I have seen his growth because जब एक industry same industry से belong करते हो and when you are a little bit senior in that industry you keep on seeing and looking up to the youngsters who are coming up and who are capable enough to do those things and who has been your followers so I see Darya as one of the successful followers of mine and I'm proud about that So, Darya, just keep inspiring people the way you do on YouTube. YouTube mein aapne bahut hi achha kiya hai. So, just stick to that. And yeah, once again, I would just end this by saying that please stick to your name. Thank you, Pratik bhai. Thank you so much. And I hope see you super, super soon.